हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल प्रज्ञा एजुकेशन सोसाइटी में। तो गाइस, आज मैं लेकर आई हूँ क्लास 12 के फिजिक्स का मॉडल सेट 4। मैंने इसके पहले 1, 2, 3 बता दिया है, मुझे आशा है आप लोग याद कर चुके होंगे। तो आज मैं इसका 4 बताऊंगी, इसके जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं उन सभी को। तो आप लोग इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए और सभी प्रश्नों को याद कर दिए। चलिए आज क्लास शुरू करते हैं। फर्स्ट प्रश्न क्या है, हवा में एफ साइलेंट आर का मान होता है। हवा में एफ साइलेंट आर का मान क्या होता है? आप जानते हैं निर्वात में एफ साइलेंट आर का मान होता है 0, लेकिन हवा में क्या होता है? तो हवा में होता है 1। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, 1। फिर देखिए नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में कौन संबंध सही है। देखिए क्या क्या संबंध दिया गया है, ई वेक्टर इक्वल दिया गया एफ बटा क्यू, और बी में दिया गया ई वेक्टर इक्वल क्यू एफ, सी है ई वेक्टर इक्वल क्यू बटा एफ वेक्टर, और फिर डी है ई वेक्टर इक्वल 1/4πε0 इंटू क्यू बटा एफ वेक्टर। तो आपका इसमें से कौन सा संबंध अच्छा है? तो आप जानते हैं त्रिवता यानी विद्युत क्षेत्र की त्रिवता ई बराबर क्या होता है, एफ बटा क्यू यानी एफ वेक्टर बटा क्यू। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए। फिर देखिए नेक्स्ट क्या है, एक एकांकी चालक के लिए निम्न में से कौन अनुपात अचर होता है? एक एकांकी चालक के लिए कौन सा अनुपात अचर होता है? तो वो होता है आपका कुल आवेश बटा विभव। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, कुल आवेश बटा विभव। नेक्स्ट है, किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर विद्युतीय तीव्रता का मान होता है। किसी आवेशित के खोखला अगर बोल ले और विद्युत तीव्रता अगर बोले तो आपका 0 होता है, विद्युत तीव्रता होगा 0 खोखले गोला के अंदर। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्या है, एक आवेशित चालक का क्षेत्र आवेश घनत्व जो है आपका सिग्मा दिया गया है, छोटी सिग्मा, तो इसके पास विद्युत क्षेत्र का मान होता है। कितना विद्युत क्षेत्र का मान होगा बताना है, तो इसका राइट आंसर होगा विद्युत क्षेत्र का मान होगा सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, आर त्रिज्या की पृथ्वी की विद्युत धारिता होती है। तो आप जानते हैं कि एक गोलीय चालक की धारिता क्या होती है, 4πε0 इंटू आर। तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, किसी सूक्ष्म विद्युत ध्रुव के मध्य बिंदु से बहुत दूर r दूरी पर विद्युत विभव समानुपाती होता है। किसके समानुपाती होता है विद्युत विभव? तो वह होता है आपका 1/r² के। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्या है, धातु का पारावैद्युतांक होता है। धातु का पारावैद्युतांक कितना होता है? तो धातु का पारावैद्युतांक होता है आपका 1σ होगा, आपका ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्या है, +10 μC एवं -10 μC के दो बिंदु आवेश y में परस्पर 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं, निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी। क्या होगी निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, -2 × 2.5 आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कि माइनस में होगा आपका -2 × 2.5 ऑप्शन नंबर सी क्या, तो -2.25 जूल आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, आवेशी संधारित्र पर संग्राहक पट्टिका और संघनक पट्टिका के आवेशों का योग होता है, कितना योग होता है? तो इसका राइट आंसर होगा आवेशों का योग होता है आपका 0 होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, 0 होता है। नेक्स्ट है, 1 एम्पियर बराबर होता है, 1 एम्पियर बराबर कितना होता है? 1 एम्पियर बराबर, तो 1 एम्पियर बराबर होता है 1 कूलम/1 सेकेंड, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, क्या 1 कूलम/1 सेकेंड। नेक्स्ट है, किसी चालक के संवहन वेग वी डी तथा आरोपित विद्युत क्षेत्र ई के बीच संबंध है, क्या संबंध है? तो इसका राइट आंसर होगा वी डी समानुपाती ई होगा। नेक्स्ट है, किसी बंद परिपथ के किसी लूप के विभिन्न बिंदुओं के बीच के विभवांतर का बीजीय योग क्या होता है? तो वह होता है आपका 0 होता है, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, 0 होता है। फिर अगला प्रश्न क्या है, स्थिर विभवांतर पर किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाता है, तो उत्पन्न उसमें क्या है? तो स्थिर है तो आधा ही होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, आधा होगा। फिर देखिए नेक्स्ट है, विशिष्ट प्रतिरोध का प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है? प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक पूछा जा रहा है, तो इसका एसआई मात्रक होता है ओम मीटर होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्या है,
तांबा का कार्य फलन होता है। कितना कार्य फलन होता है तांबा का कार्य फलन? तो होता है आपका कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तांबा का कार्य फलन कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। नेक्स्ट है, चुंबकीय क्षेत्र के फ्लक्स की एसआई मात्रक क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र के फ्लक्स की एसआई मात्रक का होता है आपका टेस्ला होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट का टेस्ला होता है। नेक्स्ट है, लॉरेंस बल की दिशा ज्ञात करने का नियम है। लॉरेंस बल की दिशा किस नियम से ज्ञात किया जाता है? तो वह ज्ञात किया जाता है फ्लेमिंग के बाएं हस्त नियम से। ऑप्शन नंबर ए राइट का फ्लेमिंग के बाएं हस्त नियम से। नेक्स्ट है आपका, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान कण का अपरिवर्तित रहता है। क्या अपरिवर्तित रहता है चुंबकीय क्षेत्र में? तो इसका राइट आंसर होगा चाल और गतिज ऊर्जा दोनों अपरिवर्तित यानी नहीं बदलता है। नेक्स्ट है, ग्लोनोमीटर में सन का उपयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है ग्लोनोमीटर में सन का उपयोग? तो आप जानते हैं कि वह जो उच्च धारा उसमें प्रवाहित किया जाता है उससे सुरक्षा के लिए उसमें एक संट लगा दिया जाता है जिससे कि वह तार टूटने या गलने से बच जाए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी कि उच्च धारा से उसकी सुरक्षा के लिए किसकी? ग्लोनोमीटर की। क्या लगाया जाता है? तो संट। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्या है, किसी एम द्रव्यमान के फी वेग से गतिमान कण का तरंगदैर्ध्य होता है। किसी एम द्रव्यमान के फी वेग से गतिमान कण का तरंगदैर्ध्य कितना होता है बताना है? तो इसका राइट आंसर होगा उसका तरंगदैर्ध्य होता है लैम्डा इक्वल एस बटा एम बी। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस पदार्थों की प्रवृत्ति बाह्य क्षेत्र में मजबूत चुंबकीय क्षेत्र से कमजोर चुंबकीय क्षेत्र की ओर जाने की होती है? निम्नलिखित में से किन पदार्थों की प्रवृत्ति बाह्य चुंबकीय मजबूत चुंबकीय क्षेत्र से कमजोर चुंबकीय क्षेत्र की ओर जाने से होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा प्रति चुंबकीय जितने भी पदार्थ होते हैं वे मजबूत चुंबकीय क्षेत्र से कमजोर चुंबकीय क्षेत्र की ओर जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट हुआ। नेक्स्ट है, विद्युत चुंबक नर्म लोहे के बनाए जाते हैं क्योंकि नर्म लोहा रखती है। क्या रखती है? विद्युत चुंबक नर्म लोहा का बनाया जाता है क्योंकि नर्म लोहा रखते हैं। क्या? अधिक चुंबकीय प्रवृत्ति और अधिक धारणशीलता वो दोनों अपने पास रखते हैं इसलिए नर्म लोहा का बनाया जाता है जिससे कि वह जब तक उसमें कॉइल प्रवाहित किया जाता है जब तक उसमें धारा प्रवाहित होता है और फिर वह रुक जाता है मतलब अस्थायी चुंबक की तरह नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी क्यों? तो इसमें अधिक चुंबकीय प्रवृत्ति होती है और धारणशीलता भी अधिक होती है। नेक्स्ट है, चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक क्या होता है? चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक बताना है क्या होता है? तो इसका एसआई मात्रक होता है जो चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक होता है वही यानी टेस्ला होता है। नेक्स्ट है, क्यूरी ताप के ऊपर लौह चुंबकीय पदार्थ हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं क्यूरी ताप के ऊपर लौह चुंबकीय पदार्थ? तो वे अणुचुंबकीय हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना के आविष्कारक कौन थे? विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना के आविष्कारक तो आपका थे फैराडे। ऑप्शन नंबर बी, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना के आविष्कारक फैराडे थे। अगला प्रश्न है, वन अपून एल डब्ल्यू की इकाई है। वन अपून एल डब्ल्यू की इकाई क्या है? क्या आर की इकाई, एल डब्ल्यू की इकाई या दोनों की इकाई? इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से किसी की इकाई नहीं है। नेक्स्ट है, एल सी आर श्रेणी क्रम परिपथ में ओमेगा कोणीय आवृत्ति का एक एसी स्रोत जुड़ा है। धारा का शिखर मान महत्तम होगा यदि, धारा का शिखर मान महत्तम होगा यदि क्या होगा कि महत्तम होगा? तो देखिए ओमेगा इक्वल वन अपॉन रूट अंडर एल सी होगा तो उसका शिखर मान का मान अधिकतम होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट है, फिर देखिए आपका नेक्स्ट क्या है, पतली झिल्ली के रंगीन दिखने का कारण क्या होता है? पतली झिल्ली के रंगीन दिखने का कारण क्या है? तो व्यतिकरण उसका कारण होता है। पतली झिल्ली के रंगीन दिखने का कारण व्यतिकरण होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्या है, इन धनुष का निर्माण जिस कारण से होता है वह कारण क्या है? तो आप जानते हैं वर्ण विक्षेपण के कारण आपका इन धनुष का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, वर्ण विक्षेपण। फिर देखिए नेक्स्ट है, कोणीय वर्ण विक्षेपण बराबर होता है। कोणीय वर्ण विक्षेपण बराबर क्या होता है? तो कोणीय वर्ण विक्षेपण बराबर होता है आपका ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, म्यू भू माइनस म्यू आर बट इनटू ए होता है। ऑप्शन नंबर ए, म्यू भू यानी बैगनी रंग का वर्ण विक्षेपण और म्यू आर यानी रेड रंग का। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट है, एक स्वस्थ व्यक्ति की आंख के लेंस की फोकस दूरी लगभग होती है कितनी होती है? तो आप जानते हैं 25 सेंटीमीटर होती है। ऑप्शन नंबर 25 सेंटीमीटर तक देख लेता है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अगला प्रश्न है, प्रकाश के कणिका सिद्धांत के प्रतिपादक थे। प्रकाश के कणिका सिद्धांत के प्रतिपादक न्यूटन थे और तरंग सिद्धांत के प्रतिपादक हाइगेंस थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है बताना है? क्या लॉयड मिरर एक्सपेरिमेंट में सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज गायब होता है? वी है, इनकोहरेंट स्रोतों से भी सस्टेंड इन इंटरफेरेंस प्राप्त किया जा सकता है। इंटरफेरेंस यानी व्यतिकरण
और एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पर्दे के उस बिंदु पर दोनों वेव्स के बीच का पथान लैम्डा बाई टू का विषम गुणज होना चाहिए। यह ऊपर के सभी कथन सही है। आपको बताना है इसमें से कौन सा कथन सही है। इसमें से कथन सही है कि लॉर्ड मिरर एक्सपेरिमेंट में सेंट्रल ब्राइट फ्रेंस गायब हो जाता है, जो कि आपका सही है यह कथन। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट है, निर्वात से 6000 एंगस्ट्रम तरंगदैर्ध्य का एक वर्षीय प्रकाश 1.5 अपवर्तनांक वाले एक माध्यम में प्रवेश करता है, तो इस माध्यम में इसका तरंगदैर्ध्य क्या होगा बताना है। तो इस माध्यम में इसका तरंगदैर्ध्य आपका हो जाएगा 4500 एंगस्ट्रम। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अगला प्रश्न है, जीवाश्म की आयु पता की जाती है किससे, तो कार्बन डेटिंग से, C14 से। आप जानते हैं ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगला प्रश्न है, किसी विकिरण के एक क्वांटम को जिसमें एक निश्चित ऊर्जा होती है कहा जाता है। किसी विकिरण के एक क्वांटम को जिसमें एक निश्चित ऊर्जा होती है उसे हम क्या बोलते हैं, तो उसे हम बोलते हैं फोटॉन। फोटॉन इक्वल क्या होता है, HV। अगला प्रश्न है, फोटॉन की ऊर्जा है तो मैंने बताया ना HV होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट है, प्रकाश विद्युत सेल क्या करता है, प्रकाश विद्युत सेल क्या करता है बताना है। इसका राइट आंसर होगा, प्रकाश विद्युत सेल प्रकाश को विद्युत में बदलता है, यानी प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। नेक्स्ट टाइम, निम्न में से किस धातु का विद्युतीय कार्यफलन न्यूनतम है बताना है। इसमें से किसका है, क्या लोहा, तांबा या बेरियम, सोडियम, इनमें से किसका है, तो इसमें से न्यूनतम होता है आपका सोडियम का, कितना 2.75 होता है। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के किस भाग में हाइड्रोजन की लाइमन श्रेणी पाई जाती है, तो देखिए लाइमन श्रेणी जो होती है वह आपका पराबैंगनी भाग में पाई जाती है और बामर श्रेणी दृश्य भाग में। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। नेक्स्ट है, लैम्डा तरंगदैर्ध्य वाले फोटॉन की ऊर्जा होती है, क्या होता है लैम्डा तरंगदैर्ध्य वाले फोटॉन की ऊर्जा कितना होता है बताना है आपको, कि लैम्डा तरंगदैर्ध्य वाले फोटॉन की ऊर्जा क्या होता है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर अब भी राइट हुआ कि लैम्डा तरंगदैर्ध्य वाले फोटॉन की ऊर्जा होती है HC/λ। ऑप्शन नंबर बी HC/λ। फिर देखिए नेक्स्ट है, तेजी से चलने वाले बीटा किरणें है तो इलेक्ट्रॉन सबसे तेज चलता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित नाभिकों में सबसे कम अस्थायी कौन है, तो हीलियम सबसे कम अस्थायी होता है आपको मालूम है, इसका राइट आंसर होगा हीलियम। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, मैंने इधर थोड़ा छोड़ दिया था, 29 नंबर पहले बता दे रही हूँ। एक प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण दिया गया है I=60 sin 100 φ और धारा, इसका बताना है कि धारा का वर्गमान, मूल मान तथा आवृत्ति क्या होगी, इसमें से क्या होगी, देखिए 60 φ दिया है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3√2 a और 50 Hz। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न है, ऊंचाई ट्रांसफार्मर से प्राप्त होता है, ऊंचाई ट्रांसफार्मर से क्या प्राप्त होता है बताना है। तो ऊंचाई ट्रांसफार्मर से प्राप्त होता है उच्च विभव और निम्न धारा, दो प्रकार का होता है ऊंचाई एक औपचाई, सेट ऑफ और सेट डाउन होता है। ऑप्शन नंबर ए, यानी उच्च विभव और निम्न धारा प्राप्त होता है ऊंचाई में, और औपचाई में इसके विपरीत होता है, यानी निम्न विभव और उच्च धारा। नेक्स्ट है, प्रत्यावर्ती धारा के मूल माध्य वर्ग मान और इसके शिखर मान का अनुपात होता है, कितना अनुपात होता है, तो अनुपात होता है 1/√2। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, कोणीय आवृत्ति ओमेगा वाले प्रत्यावर्ती परिपथ में एल प्रेरकत्व वाले प्रेरक द्वारा उत्पन्न प्रेरणिक प्रतिघात का मान कितना होता है बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ω/L। ऑप्शन नंबर बी, ओमेगा क्या है, आवृत्ति है, एल प्रेरकत्व है। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, धरतीय प्रतिघात होता है, धरतीय प्रतिघात बराबर कितना होता है, तो धरतीय प्रतिघात इक्वल होता है 1/ω c। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। नेक्स्ट है, समय के साथ बदलते हुए विद्युतीय क्षेत्र के कारण एक विद्युतीय धारा ε0 इक्वल दिया है इतना, तो इतना परिभाव, इससे क्या हम बोलते हैं, तो इससे हम बोलते हैं विस्थापन धारा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस तरंग की तरंगदैर्ध्य न्यूनतम होती है, तरंगदैर्ध्य की बात कर रहे हैं तो गामा किरण की तरंगदैर्ध्य न्यूनतम होती है और भेदन क्षमता सबसे अधिक गामा किरण का ही होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट है, वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है, तो अवतल दर्पण से, यहाँ पर दर्पण है, अवतल दर्पण से। नेक्स्ट है आपका, किस कारण वायु का बुलबुला पानी के अंदर चमकता दिखाई देता है, तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, ऑप्शन नंबर सी। फिर देखिए, एक आवर्धक ग्लास जिसकी क्षमता 12 डाइऑप्टर है, उसकी आवर्धक क्षमता क्या होगी, तो 4 डाइऑप्टर होगी आपका, सिंपल। ऑप्शन नंबर ए राइट हुआ।
अगला है दो लेंस, दो उत्तल लेंस परस्पर संपर्क में रखे जाते हैं तो समतुल लेंस क्या होगा, तो उत्तल ही तो होगा ऑप्शन नंबर ए, वो नहीं बदलेगा मतलब उत्तल नहीं रहेगा। नेक्स्ट है बेलनाकार लेंस का व्यवहार किया जाता है आंख के उस दोष को दूर करने के लिए जिसे कहा जाता है, तो अभिन्दुकता आप जानते हैं जिसे एस्टिगेटिंग बोला जाता है, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। फिर देखिए अगला है सामान्य समायोजन के लिए संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की अवधान क्षमता होती है, कितना होता है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की अवधान क्षमता, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी माइनस वी ओ बाई यू ओ और वन प्लस डी बटा एफ ई, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, यहाँ पर एफ ई है। फिर देखिए आपको अगला प्रश्न क्या है इधर, उसके आगे मैंने बता दिया था वाले ही। फिर देखिए 58 के सूर्य अपनी विकिरण ऊर्जा प्राप्त करता है, किससे प्राप्त करता है, तो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के द्वारा सूर्य प्राप्त करता है अपनी विकिरण ऊर्जा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है नाभिकों के मिलने से नए नाभिकों के बनने और ऊर्जा के मुक्त होने की घटना को क्या बोलते हैं, तो उसे हम बोलते हैं नाभिकीय संलयन, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, नाभिकीय संलयन बोलते हैं, नाभिकीय संलयन। अगला प्रश्न है नाभिकीय अभिक्रिया में संरक्षित रहता है, क्या संरक्षित रहता है नाभिकीय अभिक्रिया में, तो कुल आवेश, कुल संवेग और कोणीय संवेग, ये तीनों संरक्षित रहता है, ऑप्शन नंबर डी क्या, तो कुल आवेश, रेखीय संवेग और कोणीय संवेग, ये तीनों संरक्षित रहता है नाभिकीय अभिक्रिया में। फिर देखिए अगला है बोर का आवृत्ति सत होता है, तो बोर का आवृत्ति बताए थे E1 माइनस E2 इक्वल होता है एच बी, एच बी क्या है तो फोटॉन है। अगला प्रश्न है 15 का निर्धारित तुल्यांक क्या होगा, 15 का निर्धारित तुल्यांक आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 4-1 होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। फिर देखिए अगला है दिया गया परिपथ संकेत दर्शाता है, यह कैसा परिपथ संकेत दर्शाता है बताना है आपको, तो इसका राइट आंसर होगा कि यह NPN ट्रांजिस्टर को दर्शाता है, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। फिर देखिए नीचे दिए गए परिपथ में धारा का मान होगा, इसमें धारा का मान कौन होगा बताया गया है, जिसमें धारा का मान हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 10 के पावर 2, ऑप्शन नंबर ए 10 के पावर 2 एंगस्ट्रम। अगला प्रश्न है दशमलव अंक पद्धति की संख्या 27 के निर्धारित अंक में समतुल्य संख्या होगी, 27 का बताना है इसका समतुल्य संख्या क्या होगा, तो इसका 27 का हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए 11011 होगा। फिर एंड गेट का बोलिए व्यंजक होता है, एंड गेट का बोलिए व्यंजक होता है ए इंटू बी इक्वल वाई, ऑप्शन नंबर सी, और यहाँ पर अगर एन ए एन डी पूछे तो ऊपर रेकरिंग हो जाता है। फिर देखिए अगला प्रश्न है चिन्ह, इतना जो चिन्ह दिया गया है यह किस गेट को निरूपित करता है बताना है, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा कि एंड गेट को सूचित करता है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है एक पी प्रकार का अर्धचालक होता है, कैसा होता है, तो पी प्रकार का वह धनावेशित होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, और एन प्रकार का जो होता है ऋणावेशित। अगला है मॉडुलन वह युक्ति है जिससे, मॉडुलन वह युक्ति है जिससे क्या होता है, तो मॉडुलन वह युक्ति है जिससे एक रेडियो वाहक आवृत्ति पर जानकारी अंकित होती है, ऑप्शन नंबर ए होगा। फिर देखिए भूत रंगों के प्रेषण में प्रयुक्त आवृत्ति प्रास होता है, कितना होता है आवृत्ति प्रास, तो भूत रंगों के में आवृत्ति प्रास का मान होता है 10 मेगाहर्ट्ज़ से 200 मेगाहर्ट्ज़, ऑप्शन नंबर सी। तो फ्रेंड्स आप इन सभी प्रश्नों को याद कर दिए, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।